जय श्याराम परम प्रिय मेरे भाई बहन, शनि देव को प्रणाम करते हुए उनकी जन्म की कथा प्रारंभ करते हैं। शनि देव जी के जन्म से संबंधित दो कथाएं प्रचलित हैं, प्राप्त होती हैं। जो प्रथम कथा है वो कथा कन्हैया जी के जन्म के बाद यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद की अमावस्या को शनि देव जी का जन्म माना गया है। लेकिन मेरे भाई बहन, स्कंद पुराण के काशी खंड में जो कथा प्राप्त होती है, जिसको संतों विद्वानों ने स्वीकार किया है, उस मत के अनुसार, कथा के अनुसार, ज्येष्ठ माह की जो अमावस्या है, इसी दिन शनिदेव जी का जन्म हुआ था, इसे ही स्वीकार करना चाहिए। इनकी जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। दक्ष की सुपुत्री संज्ञा जी के साथ भगवान सूर्य देव जी का विवाह हुआ था। हम आप सभी जानते ही हैं कि सूर्य देव कितने तेजस्वी हैं। इन आंखों से उनको 10 सेकंड हम लोग निहार नहीं सकते हैं। तो उनकी पत्नी संज्ञा देवी भी सूर्य देव जी की गर्मी से, उनकी तीव्रता से परेशान रहती थीं और मन में विचार करती थीं, कौन सा ऐसा उपाय करूं, तब करूं, जिसके कारण जो है सूर्य देव की ऊर्जा कम हो जाए और मैं स्मूथली जीवन जो है जी सकूं, अपने कर्तव्यों का पालन कर सकूं। लेकिन कुछ भी उनके समझ में नहीं आ रहा था। समय निकलता गया और 3 संतानों का इस मध्य में जन्म भी हो गया। जो प्रथम संतान का जन्म हुआ वो वैवस्वत मनु का हुआ, दूसरा जो है यमराज जी का हुआ और तीसरा यमुना महारानी का हुआ। समय निकल गया, सोची कि अब क्या करूं, कुछ ना कुछ तो हमें विशेष करना पड़ेगा। लेकिन 3 संतानों का भरण पोषण करना, पतिदेव को संभालना, घर गृहस्थी में बड़ा जंजाल है, कैसे मैं तपस्या कर पाऊं, और बिना तपस्या के तो कुछ भी प्राप्त होने वाला विशेष रूप में नहीं है। वो तो जो व्यक्ति पूर्व जन्मार्जित कर्म करके रखा वही उसको मिलेगा। ऐसा विचार करते करते शिव जी की कृपा से उनके मन में एक भावना आई और उन पुण्यों के प्रभाव से उन्होंने अपनी ही प्रतिरूप एक मूर्ति, जिनको शास्त्रों में सवर्णा कहा गया है, हम शक्ल हिंदी में लोग बोलते हैं कि सवर्णा, अपनी ही तरह सेम कद काठी का एक रूप उन्होंने प्रकट कर दिया, जिसको छाया देवी भी कहा जाता है। हिंदी में से छाया देवी कह सकते हैं और उर्दू में हम शक्ल कह सकते हैं, और जो है अच्छे भाषा में अथवा संस्कृत में इसको सवर्णा कहेंगे कि सेम वर्ण वाली, लेकिन यहाँ तो सब कुछ गुणों वाली भी थी। तो सवर्णा से जो है संज्ञा देवी ने निवेदन किया कि देवी देखो, मैं तुम्हें अपने एक बहन के रूप में, एक अपने प्रतिरूप में जो है तुमको प्रकट की हूं, तो अब जो है तुम्हारा काम है कि जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, वैवस्वत मनु हो गए, यमुना महारानी हो गई और यमराज जी हो गए, इनका भरण पोषण के साथ में स्वामी का भरण पोषण करना, उनका ध्यान रखना। तो चूंकि वो उनकी आत्मशक्ति से प्रकट हुई थी तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने स्वीकार कर लिया। और संज्ञा देवी ने कहा कि देवी देखो, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच की है, ये गुप्त रहना चाहिए, किसी भी प्रकार से जो है स्वामी मतलब सूर्य देव से प्रकट मत करना, ना बच्चों से ही प्रकट करना, और मैं तपस्या करने के लिए जा रही हूँ, अच्छे काम के लिए जा रही थी, तो इसलिए छाया देवी मतलब जो सवर्णा देवी, छाया देवी हम शक्ल जो प्रादुर्भाव हुई थी, उनको सौंप करके अपने बच्चों को, अपने परिवार को चुपचाप जो है संज्ञा देवी अपने पिता दक्ष के घर में जा पहुंची। पर दक्ष ने उनको अपने यहां रखने से, तपस्या करने से मना कर दिया, क्योंकि तुम्हारा जीवन जो है पति की सेवा, बच्चों का भरण पोषण, अपना संसार संभालने के लिए है, अब तपस्या का समय निकल गया है। ऐसा विचार करके उन्होंने वापस भेज दिया। चूंकि वहां व्यवस्था करके आई हूं, ये बात उनको गोपनीय रखना था, इसलिए पिताजी को भी संज्ञा देवी ने नहीं बताया। और चूंकि घर में सारी व्यवस्था करके आई ही थी एक सवर्णा मतलब छाया देवी के रूप में, इसलिए चुपचाप जो है तपस्या करने के लिए जंगल में गई और बहुत समय तक तपस्या करती रही। कुछ जगह भी उल्लेख है कि वो एक घोड़ी के रूप में तपस्या की है, दूसरी जगह दूसरा एक उदाहरण प्राप्त होता है, उसकी चर्चा फिर कभी। तो मेरे भाई बहन, इस मध्य जो है जो छाया देवी थी, सवर्णा देवी थी, उनसे भी 3 संतानों का जन्म हुआ, उन्हीं में से एक शनिदेव थे। तो 3 संतान में
मनु महाराज का जन्म हुआ, उसके बाद में शनि देव का जन्म हुआ और बाद में जो है ताप्ती यानी कि भद्रा महारानी का जन्म हुआ, भद्रा देवी का जन्म हुआ। तो अब जो है इसमें भी जो है शनि देव जी के जन्म की कथा थोड़ी अलग है। छाया देवी ने भी सोचा कि जो जिनसे मेरा जन्म हुआ है, जिन्होंने मुझे प्रकट किया है, जब वो तपस्या करने के लिए गई हैं, तो हमें भी तपस्या करना चाहिए। तो जब विशेष करके शनि देव उनके पेट में थे तो घोर तपस्या करने लग गई, भूख प्यास सारा सुख सुविधा को छोड़ करके और दिन रात अखंड तपस्या में शिव जी की तपस्या में लीन हो गई। ऐसे भूखे प्यासे रहते रहते चूंकि उनके पेट में शनि देव महाराज विराजमान थे तो उनका शरीर जो है उनकी माता का शरीर मतलब छाया देवी का शरीर तपस्या के कारण काला पड़ने लगा और इतना काला पड़ने लगा भूख प्यास गर्मी से कि उसका असर जो है पूरे शिशु यानी शनिदेव पे पड़ा और उनका भी शरीर जो है नीला पूरा पड़ गया। तो वही कारण हुआ जब उनका प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ ज्येष्ठ अमावस्या को, तो वो पूरा काले रूप में प्रकट हुए। सूर्य देव ने देखा कि भैया मैं तो स्वर्ण के समान हूं और ये कैसे मेरा स्वर्ण के समान पिता का पुत्र इतना काला कलुष कलुआ कैसे हो सकता है। ऐसा उनके मन में विचार आते ही चूंकि प्रभावशाली हैं छाया देवी को उन्होंने अनावश्यक जो है आरोप लगाया, कुछ बड़ा जो है बुरा उनको बोला जो शनिदेव को बहुत ही बुरा लगा। मेरे भाई बहन, शनिदेव जी का तो जन्म ही हुआ था लेकिन पहले ये समय नहीं था, ऐसा प्रकरण नहीं था कि जन्म लेने के इतने सालों बाद बच्चा जो है बातचीत करेगा। पहले इसकी एक अलग कथा है, जैसा कि आप देखते हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं, गौ माता हैं और भी हैं, उनके बच्चे अतिशीघ्र जो है पूरा जीवनचर्या प्रारंभ कर देते हैं, जबकि मनुष्य के बच्चों को बहुत समय लगता है, उसकी एक अलग कथा है। तो जो है शनिदेव को जब पिता जी की अपनी बात बुरी लगी तो मारे गुस्से से अपने पिताजी को देखा उन्होंने क्रोध में, और उनकी तीव्र दृष्टि से जो है सूर्य नारायण जो इतने हैं जिनको कोई देख नहीं सकता है, अपने पुत्र की दृष्टि से भी जो अभी जन्म लिया है पूरा शरीर उनका भी जो है नीला होते होते काला पड़ने लगा। घबरा गए क्योंकि गोरा आदमी अगर काला पड़ने लगे तो आधा जय जय सियाराम वैसे अधमरा हो जाता है। भाग करके देवों के देव महादेव के पास पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं और उनसे अपने वहां आने का कारण बताते हैं। शिव जी उनको समझाते हैं कि आप भले ही देवों के देव हैं, मतलब ग्रह राज हैं, सूर्य जो है ग्रहों के राजा माने जाते हैं, पर आपसे भी गलती हुई, आपने गलत आरोप लगाया है। तो जहां से कहते ना एक बटन गलत बंद हो जाए दूसरी भी गलत बंद होती है, तो जहां से बटन भैया गलत बंद हुई थी उसको सही करो। तो वापस आते हैं, क्षमा मांगते हैं अपनी पत्नी से अपने पुत्र से। शनिदेव कुछ बोलते नहीं है लेकिन पिताजी को क्षमा कर देते हैं और पुनः जो उनका शरीर जय जय सियाराम पूर्वत हो जाता है, इतनी तीव्रता शनिदेव में थी। तो इस प्रकार से जो है कई सारी कथाएं प्राप्त होती, मोटा मोटी ये कथा है। कहा जाता है तभी से जो है पिता पुत्र में यानी कि सूर्य में और शनि में कभी नहीं बनी, आज तक नहीं बनी। हालांकि शनिदेव जहां भी रहते हैं ग्रहों में आठ स्थान पर सूर्य को छोड़ करके उस स्थान के महत्व को जय जय सियाराम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, अथवा उनकी डिग्री जैसी है, उनका स्थान कैसे क्या है, मित्र ग्रह के साथ जैसे शुक्र के साथ रहते हैं तो व्यक्ति का कल्याण ही करते हैं, पर सूर्य के साथ वो थोड़ा लिहाज करते हैं पिताजी का। तो लेकिन सूर्य का भी प्रभाव कहीं ना कहीं कम होता है, इतनी तीव्रता शनिदेव में है। आजकल जो है कुत्ता बिल्ली पालने का रस्म फैशन सा बन गया, ये कभी नहीं करना चाहिए। बाहर के कुत्ता बिल्लियों को जितना मर्जी हो खिलाओ पिलाओ, लेकिन घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कुत्ता और बिल्ली के जो नेत्र है वो कहीं ना कहीं शनि का अंश माना जाता है। इनके नेत्रों में दोष होता है, आप भोजन करेंगे, आपके बच्चे खेलेंगे, इनके नेत्रों में दोष है, बहुत बड़ा दोष लगता है। इस पर एक वीडियो मैंने दिया था, कई लोगों को बुरा लगेगा, बाहर आप जितना मर्जी हो खिलाओ पिलाओ पर जो है घर के अंदर नहीं होना चाहिए। यही नहीं, शनि के मूर्ति का पूजा नहीं करना चाहिए, मूर्ति की पूजा का निषेध है। शनि का आप देखिए जो सबसे बड़ा मंदिर है कहां पर है, शनि शिंगणापुर जो सबसे प्रभावशाली है और लोकप्रिय है, वहां भी कोई प्रतिमा नहीं, एक उनका शिलाखंड है।
तो इसी प्रकार से शनि को सुपाड़ी में आह्वान कराना चाहिए अथवा शनि यंत्र का करना चाहिए, पर शनि का मंदिर बना करके उनकी मूर्ति बना करके पूजा, मतलब विशेष करके मूर्ति बना करके पूजा नहीं करना चाहिए। अज्ञानता वश तो लोग कुछ भी करते हैं। तो मेरे भाई बहन, जब भी शनि अमावस्या प्राप्त हो अथवा शनि जयंती प्राप्त हो तो उस दिन जो है विशेष रूप से शनि की उपासना करना हम सभी के लिए कल्याणकारी है। पर कई लोग सालों साल जो है अगर आपके अढ़ैया में नहीं है, शनि की साढ़े साथी नहीं चल रही है अथवा कोई चोट चपेट अनावश्यक नहीं लग रहा है, तो फिर जैसे कि हमारी बीमारी दूर हो गई तो हम दवाइयां खाना बंद कर देते हैं, ऐसे ही अगर हमारे शनि अनुकूल हैं अथवा नहीं है, प्रतिकूल नहीं है, हमारे विरोध में नहीं है, हमारे लिए ठीक ठाक है, तो हमें उनके पीछे नहीं लगे रहना चाहिए। हमें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। जो विशेष पूरे समस्त संसार की सृष्टि के जो स्वामी हैं, प्रभु नारायण हैं, अलग अलग रूपों में हैं अथवा उनके दूसरे रूप में गणेश जी, हनुमान जी, दत्तात्रेय जी आदि हैं और राम जी, कन्हैया जी का तो कहना ही क्या है। प्रभु के रूपों का वर्णन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए, भजन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। शनि देव के पीछे ऐसे भागने का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, आपके शनि विपरीत हैं तो अवश्य करना चाहिए, और जो भी विशेष शुभ कार्य होता है उसमें तो नवग्रहों की पूजा और शनि की पूजा होती ही है। तो मेरे भाई बहन, पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जो भी इससे संबंधित प्रश्नों जो वीडियो में नहीं बताया गया होगा, अगर आप पूछेंगे तो बताने का अवश्य प्रयत्न करूंगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। और शनिदेव महाराज कभी किसी के ऊपर, हाँ जो बहुत दुष्ट है, लोगों को सताए, परेशान करे, निश्चित उनके ऊपर आप कुपित होइए, होना ही चाहिए। जय श्री राम।